एप्पल ने गाइस क्या क्या नहीं बनाया है, एप्पल बॉटल, एप्पल क्लॉथ, एप्पल मोबाइल, एप्पल वॉच, फलाना ढिमकाना, गाइस कितने सारे आइटम बनाए हैं एप्पल ने। और गाइस एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट है वो आदमी की मार के रख देते हैं, इतनी महंगे प्रोडक्ट आते हैं एप्पल की गाइस। लेकिन इस बार एक चीज़ फ्री लेके आया है एप्पल, वो अभी बार करेंगे आगे, मजाक था भाई। तो इस बार एप्पल फिर एक नई चीज़ लेके आ रहा है गाइस गूगल को टक्कर देने के लिए। वैसे तो गाइस एप्पल और गूगल में बहुत ज़्यादा टक्कर होती है गाइस, कुछ भी बनाते हैं मतलब वो अलग फील्ड में है, वो अलग फील्ड में है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा टक्कर देते हैं आपस में ये। कुछ भी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए थे इन्होंने, जैसे गूगल का मोबाइल आया था, एप्पल का मोबाइल आया था, वो मतलब गाइस एप्पल गूगल को टक्कर देने के लिए लगा पड़ा है गाइस। मतलब एप्पल लॉन्च करने वाला है गाइस सर्च इंजन, एप्पल एक सर्च इंजन बना रहा है गाइस गूगल को रिप्लेस करने के लिए। तो काफ़ी जगह बहुत कोशिश करी है उसने गूगल को रिप्लेस करने की, लाइक गूगल ने एक वॉइस असिस्टेंट बनाया था गूगल वॉइस असिस्टेंट, एंड एप्पल ने भी एक वॉइस असिस्टेंट बनाया था सिरी नाम से लॉन्च किया था वो गाइस, जो कि बिल्कुल भी टक्कर दे नहीं दे पाया उसको। तो देखते हैं इस बार टक्कर दे पाता है नहीं गूगल का सर्च इंजन, जो एप्पल का सर्च इंजन है वो गूगल को टक्कर दे पाता है नहीं, उसको रिप्लेस कर पाता है नहीं। देखने वाली चीज़ों की काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है गाइस जो भी चीज़ कुछ भी चीज़ एप्पल जब लॉन्च करता है। तो गाइस वैसे एप्पल और गूगल का नाम कितना सिमिलर है गाइस, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं दोनों ही, एप्पल गूगल, गूगल एप्पल, एप्पल गूगल, बहुत सिमिलर नेम है इसका। वैसे तो गाइस गूगल को रिप्ले गूगल को टक्कर देने के लिए बहुत सारे सर्च इंजन आए हैं लाइक बहुत सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन गूगल को कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा है। तो देखते हैं अभी एप्पल का सर्च इंजन आएगा तो वो गूगल को टक्कर दे पाता है या नहीं। वैसे गाइस ये हो क्या रहा है कि एप्पल सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहा है और गूगल हार्डवेयर की तरफ जा रहा है, लाइक टेक की तरफ जा रहा है, लाइक उसने मोबाइल बनाया, टैबलेट बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, और जो एप्पल है वो सॉफ्टवेयर बनाने में लगा पड़ा है, जैसे वॉइस असिस्टेंट, ब्राउज़र एंड सर्च इंजन बना रहा है। तो बहुत सारी ये सॉफ्टवेयर की तरफ आ रहा है, वो उसकी तरफ जा रही है। तो काफ़ी लड़ाई हो रही है दोनों कंपनियों में आपस में गाइस। वैसे तो एप्पल का सर्च इंजन ये इसको लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वैसे ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये एक रूमर से पता चला है, एक बहुत फेमस रूमर है गाइस, इसका नाम है रॉबर्ट स्कबल, उन्होंने ट्वीट करके कहा है गाइस, इसमें बताया था कि ये जो एप्पल कंपनी है वो एक सर्च इंजन बना रही है एप्पल को रिप्लेस करने के लिए गाइस। तो गाइस देखना ये होगा कि ये गूगल को रिप्लेस कर पाती है या नहीं। वैसे एक बार उसमें वॉइस असिस्टेंट मैंने बताया था, उसमें एक बार फेल हुई थी गूगल को टक्कर देने के लिए, तो इस बार देखते हैं फेल होती है या पास होती है इसको टक्कर देने में। तो गाइस एप्पल उससे भी पहले बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करेगी, लाइक आईफोन 14 हो गया, उसके अलावा बहुत वॉचेस, एप्पल वो टैबलेट्स, मैकबुक, बहुत अभी 6 जून को शायद इवेंट है इसमें अभी एप्पल का, तो उसमें देखते हैं क्या क्या लॉन्च करता है एप्पल। एंड गाइस एक इवेंट शायद सेप्टेम्बर में होगा जिसमें आईफोन 14 के अलावा बहुत सारी चीज़ आएंगी, तो उसमें भी देखते हैं क्या क्या लॉन्च करेगा। लेकिन गाइस ये जो एप्पल का जो सर्च इंजन है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये जो एप्पल का सर्च इंजन है वो लगभग 2023 जनवरी के महीने में आ सकता है गाइस, इसकी रूमर्स ने यही डेट बताई है। तो ये सिर्फ रूमर्स है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं है गाइस, आ सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगले वीडियो में बाय।